एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लेक्टिन कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में एंड कॉम्प्लीमेंट रेगुलेशंस के बारे में। तो शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है लेक्टिन पाथवे के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन करा है क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में कि वो किस तरीके से डिफर होता है, तो वैसे ही आपका लेक्टिन पाथवे भी इन दोनों पाथवे से थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन ये बहुत सिमिलरिटी शो करता है टुवर्ड्स क्लासिकल पाथवे। अब वो क्या है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ये आपका लेक्टिन वाइंडिंग मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन आर फाइकोलिन रिकॉग्नाइज्ड कार्बोहाइड्रेट पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपकी कोई सेल है, बैक्टीरिया सेल है, अब इसके ऊपर जो भी आपके पैथोजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट पैटर्न्स होंगे। तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट पैथोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो आपका पूरा डिग्रेडेशन होगा लेक्टिन पाथवे के थ्रू। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट पैटर्न्स होते हैं इनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनको रिकॉग्नाइज करेगा मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन, जिसे फाइकोलिन्स भी कहा जाता है। अब जैसे ही ये बाइंड करेगा तो यहां पर मान के चलो ये आपका मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन है, तो इस तरीके से इसने जैसे ही इस पर बाइंड किया तो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो द बाइंडिंग ट्रिगर द कन्फर्मेशन चेंजेस इन दीज पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। ये जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन मॉलिक्यूल है जिसने आपके कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करा, आफ्टर बाइंडिंग उसमें कुछ अल्टरेशन हुआ। अब हुआ क्यों वो अल्टरेशन, तो बाइंडिंग ऑफ जो आपकी फाइकोलिन्स थी टुवर्ड्स द पैथोजन सरफेस अलाउ देम, जैसे ही इनका कन्फर्मेशन चेंज हुआ तो ये एसोसिएट कर लेते हैं सेरिन प्रोटीएजेस को, जिसे कहा जाता है मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सेरिन प्रोटीएजेस। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक पैथोजन है जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स कुछ पैटर्न मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ बाइंडिंग हुई मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन फाइकोलिन मॉलिक्यूल्स की, और इन फाइकोलिन्स ने जैसे उनको रिकॉग्नाइज करा, बाइंडिंग करा, तो कन्फर्मेशन चेंज हुआ। और जब कन्फर्मेशन चेंज जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स में हुआ तो यहां पर ये फिर अलाउ करते हैं सेरिन प्रोटीएजेस की बाइंडिंग को। तो अब क्या हुआ कि सेरिन प्रोटीएजेस जो थे वो भी आपके बाइंड हो गए रिकॉग्नाइज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ। ये एंजाइम अब एक्टिवेट होंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये क्लीव करेंगे C4 को इनटू C2A एंड C2B, मतलब C4 को एंड C2 को दोनों को जो है क्लीव करेंगे। तो C4 को क्लीव करेंगे C4A एंड C4B में, एंड C2 को क्लीव करेंगे C2A एंड C2B में। फिर आपका C4B एंड C2A फ्रेगमेंट C3 कन्वर्टेज बनाएगा। अब यहां से पूरा क्लासिकल पाथवे आपका शुरू हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि क्लासिकल पाथवे में आपका जो C1S था वो C4A और C4B, मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि C4 को और C2 को क्लीप कर रहा था, कौन सा मॉलिक्यूल, C1S। लेकिन आपके लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे में सेरीन प्रोटीएजेस जो आपके मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंडेड हुए हैं वो आपके क्लीप करते हैं C4 को एंड C2 को, और C4 एंड C2 के जो फ्रेगमेंट है जैसे आपका C4B एंड C2A आपस में मिलके बना लेते हैं C3 कन्वर्टेज, और C3 कन्वर्टेज आपके क्लीव करते हैं C3 को इनटू C3A एंड C3B, और उसके बाद आपका C4B C2A और बाकी आपका C3B आपस में मिलके बनाते हैं C5 कन्वर्टेज, और C5 कन्वर्टेज जो है वो C5B6789 मिलके बना लेते हैं आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को जो आपकी सेल लाइसिस करा देता है। तो ये ही आपका लेक्टिन पाथवे है, बिल्कुल सिमिलर है आपके क्लासिकल पाथवे, बस इनिशियल स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफर है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो तो सब समझ में आएगा। जैसे ये आपका कोई पैथोजेनिक सेल है, आपका वायरस या टारगेट सेल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अब क्या होगा, ये जो आपका सेल होगा यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनको कौन रिकॉग्नाइज्ड करेगा, इनको रिकॉग्नाइज्ड करेगा हमारा मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन। तो ये जो मेनिन वाइंडिंग लेक्टिन है इनको रिकॉग्नाइज करेगा, इनके साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये इनके साथ बाइंड करेगा तो इनमें कन्फर्मेशन चेंज होगा, जैसे ही इसकी यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज होगा फाइकोलिन,
तो यहां पर कंफर्मेशन चेंज हुआ, तो आपके जो सेरिन प्रोटीएजेस थे वो इसके साथ एसोसिएट होंगे, प्लस में आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्लीव करते हैं आपके C2 को एंड C4 को। तो C2 एंड C4 क्लीव होने के बाद C2A एंड C4B आपस में कंबाइंड होते हैं और बनाते हैं आपका C3 कन्वर्टेज। और ये जो C3 कन्वर्टेज है, फिर इसके बाद C5 कन्वर्टेज, और फिर इस तरीके से आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो आपके टारगेट सेल्स है उसकी मेम्ब्रेन में पोर होता है और सेल लाइसिस होती है। तो ये एकदम आपका बेसिक पाथवे है। अब यहां पर मैंने तीनों पाथवे को कंबाइंड भी कर दिया है तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये यहां पर क्या है, आपका क्लासिकल पाथवे है, फिर आपका लेक्टिन पाथवे है। तो क्लासिकल पाथवे में हमने क्या पढ़ा था कि C1 सबसे पहले बाइंड करेगा, कौन सा, क्यू सब यूनिट, और S जो यूनिट थी, सब यूनिट थी, वो क्या कर रही थी, क्लीव कर रही थी। तो बिल्कुल वैसा है कि C1 जो है वो एक्टिवेट होगा, बाइंड करेगा और बाकी आपकी पूरी प्रोसीजर होगी। लेकिन लेक्टिन पाथवे में क्या है, मैनोज वाइंडिंग लेक्टिन भी कहा जाता है, लेक्टिन वाइंडिंग, तो ये सारा आपका बाइंड करेगा, फिर आपका बाइंडिंग के बाद आपका पूरा पाथवे जो है जैसा क्लासिकल पाथवे में चल रहा था वैसे होगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव पाथवे की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली शुरू होगा आपका C3 से, और C3 क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर C1 C2 C4 जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सीधी कहानी शुरू होती है C3 से। तो C3 सबसे पहले स्पॉन्टेनियसली आपका हाइड्रोलाइज्ड होगा, उसके बाद जैसे ही स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइज होगा फैक्टर बी आएगा, फिर फैक्टर बी के बाद फिर फैक्टर डी आएगा, फिर C3B एंड BB आपका C3 कन्वर्टेज बनाएंगे, तो C3 का कन्वर्जन होगा, फिर C5 का कन्वर्जन होगा। तो जो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो आपके तीनों पाथवे में सिमिलर है, लेकिन क्लासिकल पाथवे में पूरा C1 से लेके C9 तक पूरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पार्टिसिपेट करेंगे। लेक्टिन पाथवे में C1 को बस छोड़ के C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8 सारा पार्टिसिपेट करेगा, और जो आपका अल्टरनेटिव पाथवे है उसमें 1, 2 एंड 4 को छोड़ के बाकी आपके सारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद भी रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जिनमें आपके डिफरेंसेस बेसिस पे ही स्टेटमेंट आए हुए हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो देखो, जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की बात करेंगे, तो देयर आर सम फैक्टर, दोज आर डायरेक्टली कंट्रोल द डिफरेंट सिस्टम। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काफी सारे रेगुलेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो क्या है, एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द हार्म टू द होस्ट सेल्स, क्योंकि अगर इनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो ये जो फॉरेन सेल है उनको तो किल कर लेंगे, साथ ही साथ जो होस्ट सेल्स है उनको भी कॉन्टिन्यूस किल करते जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें इनका रेगुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैन इनएक्टिवेट बिल्कुल वेरियस कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। C3 कन्वर्टेज जो है वो एम्पलीफाई करता है आपके कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को बाय जनरेटिंग C3। तो ये जो C3 कन्वर्टेज है या ये जो C3B मॉलिक्यूल्स है, ये सेंट्रल पाथ है किसी भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, चाहे आप क्लासिकल की बात करिए, अल्टरनेटिव की बात करिए, लेक्टिन की बात करिए। तो इसको अगर आप रेगुलेट करा देंगे तो आप ये मान के चलिए आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रेगुलेशन हो जाएगा। C3B कैन डैमेज द सेल और स्पॉन्टेनियसली ये हाइड्रोलाइज्ड होता है व्हेन अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम C3 कन्वर्टेज। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है। अ फैमिली ऑफ द प्रोटीन शॉर्ट कंसिक्वेंसेस रिपीट, जिसे SCRS भी कहा जाता है, ये रेगुलेट करते हैं आपके C3 एक्टिविटी को। अब यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी याद करने वाली है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऑल्दो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में भी कर दिया है कन्वर्ट, तो वो आपको याद हो ही जाएगी। तो कौन सा, शॉर्ट कंसेंसस रिपीटर्स जो है आपके, जैसे SCRS, ये आपके रेगुलेट करते हैं C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी को। RCA रेगुलेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो RCA जीन भी जो है क्लस्टर इनकोडेड, ये भी आपके रेगुलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। RCA प्रोटीन जैसे आपका CDBBP, CR1, MCP प्रिवेंट करता है C3 कन्वर्टेज असेंबली को।
C3 कन्वर्टेज जो है वो एक तरीके की असेंबली है। अगर आप क्लासिकल पाथवे की बात करें तो कौन सा था, C4B एंड C2A था। अगर आप अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो C3 कन्वर्टेज में ठीक, तो क्लासिकल पाथवे में आपका C4B, C2E आपका C3 कन्वर्टेज था। अगर आप अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो C3B एंड BB जो है वो बेसिकली आपका था C3 कन्वर्टेज। तो ये जो आपके RCA प्रोटीन होते हैं, जो कौन कौन से हैं, जैसे C4BBP, फिर आपका है CR1, MCP, ये प्रिवेंट करते हैं आपके C3 कन्वर्टेज असेंबली को, मतलब ये जो बाइंडिंग है, ये जो असेंबली फॉर्मेशन है, इसको इनिबिट करेंगे। फैक्टर आई जो है वो क्लीव करता है C4B को इंटू C4D एंड C। तो C4B वैसे क्या था, C4 को जब क्लीव किया गया था तो C4B एंड C4A बना था। A जो है वो फ्री हो रहा था और बी जो है वो आपका बाउंड हो रहा था। और ये जो C4B है ये क्या है, बेसिकली C3 असेंबली का ही पार्ट था। तो जो आई फैक्टर है वो इसी को क्लीप करता है, मतलब इसी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, C3 कन्वर्टेज असेंबली नहीं बनेगी। तो ये इसको जो है C4B को क्लीप करके C4D एंड C4C बनाता है। RCA प्रोटीन ऑल्सो डिसोसिएट असेंबली ऑफ द C3 कन्वर्टेज, ये हमें पता है। फिर है आपका डिके एसिलेरेटिंग फैक्टर, जिसे DEF कहा जाता है या CD55 भी कहा जाता है। ये डिसोसिएट करता है C3 कन्वर्टेज फैक्टर को और C3 कन्वर्टेज को, एंड फैक्टर आई इनएक्टिवेट करता है C3 कन्वर्टेज को। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिके एसिलेरेटिंग फैक्टर डिसोसिएट करता है C3 कन्वर्टेज को। रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत से ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन है जो आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लेवल को, मतलब उनको इनिबिट करते हैं। सीरम प्रोटीन जो है, जैसे आपका C5B6/7 इंसर्शन इनटू नियर बाय सेल मेम्ब्रेन, और जो आपका होमोलोगस रिस्ट्रिक्शन फैक्टर जिसे HRF भी कहा जाता है, एंड मेम्ब्रेन इनिबिशन ऑफ द रिएक्टिव लाइसेंस जिसे MIRL और CD59 कहा जाता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसेंस बाय द बाइंडिंग ऑफ C8। मतलब जो आपका HRF है और आपका MIRL है, ये जो होस्ट सेल्स है जो कॉम्प्लीमेंट के थ्रू लाइसिस कराई जा रही है उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ये बाइंड कर लेता है C8 पे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये टेबल आप याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो लाइनिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, और थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में लिख दी है। तो इस टेबल फॉर्म का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स चाहिए हैं, नोट्स चाहिए हैं। मैं देखती हूँ काफी सारे कमेंट्स हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए आराम से इसका फोटो ले लो और इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो, अब जो आपका प्रोटीन है, जैसे आप C1 इनहिबिटर की बात करें तो ये टाइप ऑफ प्रोटीन कैसा होता है, ये होता है आपका सोल्यूबल। और ये पाथवे कौन सा इफेक्ट करता है, क्लासिकल पाथवे के लिए। और इम्यूनोजेनिक अगर आप इसका फंक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा कि सेरीन प्रोटीएजेस, ये इनहिबिटर होता है जो आपका C1 जो R है ऐसे उसके डिसोसिएशन में जो है वो हेल्प करता है। तो C1 इनहिबिटर बेसिकली क्या है, क्लासिकल पाथवे है, एक सॉलिड क्लासिकल पाथवे का इनहिबिटर है, और सेरीन प्रोटीएजेस को इनहिबिट कर देगा, मतलब एकदम इनिशियल स्टेजेस में। अब नाम ही है C1 इनहिबिटर, तो C1 प्रोटीन को इनहिबिट करेगा इनिशियल। फिर C4 बाइंडिंग प्रोटीन, तो अगेन C4 कहाँ कहाँ है, C4 आपका क्लासिकल में भी है, लेक्टिन में भी है। अच्छा, अगर ये टेबल बाई चांस नहीं समझ में आए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है शायद, तो अगर बहुत छोटा ये दिख रहा है तो ये आप बता देना, ये मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं तो ये हो जाए। और नोट्स ना शेयर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि शेयर कर देते, हमने इनिशियली शेयर करा था न्यूरो साइंस वाला, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हैं, मतलब एक ही दिन में पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, बहुत मेहनत लगती है मेरी, ऐसा थोड़ी ना है। तो थोड़ा सा रखा करो अपने पास, लगे भी तो कि अब ऐसे इतनी आसानी से एकदम पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जहां नहीं भी जाना चाहिए वहां सब लोगों के पास है, वो चीज सही नहीं है।
तो अगर ये नहीं समझ में आए, बाई चांस टेबल नहीं दिख पा रहा है, तो ये बता देना कमेंट बॉक्स में, तो ये मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, करा दूंगी। ठीक, तो फिर क्या है, C4 बाइंडिंग प्रोटीन है। अगर टाइप देखें तो ये सॉल्यूबल है क्लासिकल एंड लेक्टिन दोनों पाथवे में, क्योंकि C4 हमें पता है दोनों पाथवे में पाया जाता है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है द फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, फैक्टर एच है। फैक्टर एच अगेन अगर टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें तो सॉल्यूबल है, अल्टरनेटिव पाथवे इसका टारगेट पाथवे है। ये ब्लॉक करता है द फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज बाय द बाइंडिंग ऑफ C3b। वैसे ही आपके ये सारे फैक्टर बिल्कुल याद ही करने हैं, बेसिक चीजें हैं। मैंने अभी आपको टेबुलर फॉर्म में जो लाइनिंग फॉर्म में थी उसमें समझा दिया, तो ये आपका उसी फॉर्म में लगा है, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन याद कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर अच्छे से याद नहीं कर पाओगे तो नहीं रिजोल्व कर पाओगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक दो याद कर लिया फिर उसका मैकेनिज्म एक्शन ही नहीं पता है। तो भले ही आप इसमें से देखो, अब बहुत सारी जब चीजें आपके सामने होती है ना, तो उसको एक तरीका ये भी होता है याद करने का कि अगर आपके पास कोई 10 पॉइंट है तो 10 में से आप 7 to 8 पॉइंट से याद कर लीजिए। भले ही आप 2 पॉइंट छोड़ दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 7 to 8 पॉइंट है उनको आपको ऐसे याद कर लेना है कि अगर वो तो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। अगर आपको इनमें से 7 प्रोटीन्स जो है उनमें से अगर आपने 7 to 5, 6 जितना भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर आप इसमें से 7 to 8 ही प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं, अच्छे से उनका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, तो उतने में ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पूरा डिटेल में, तो ये देख लीजिएगा। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने अपने सारे जो पाथवे थे वो कंप्लीट कर लिए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे। ऑल्दो इसमें ज्यादा PYQ नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको जो रीसेंट PYQ हैं, जैसे 2018 कुछ 19 में आए हैं, 22 में आया, 23 में आया, तो वो सारा मैं आपको रिजोल्व कराऊंगी। बाकी का जो प्रीवियस ईयर में अगर आया है 2010, 11, 13, तो ये आप देखिएगा, लेकिन जो रीसेंट PYQ है वो हम सारे सॉल्व करा लेंगे। उससे पहले आपको ये तीनों पाथवे जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं। बाकी वो जो टेबल है वो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगी, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग।